बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। सद्गुरु निराकार परमात्मा का साकार रूप है और अज्ञान के गहन अंधकार में भटकते हुए जीवों को सन्मार्ग दर्शाने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। आध्यात्मिक जिज्ञासा रखने वाले और परमात्मा प्राप्ति के पद पर अग्रसर होने वाले जिज्ञासुओं को ही सही मार्ग पर चलने के लिए कोई ना कोई पथ प्रदर्शक तो चाहिए ही, ताकि वे उसके पथ प्रदर्शन में सही मार्ग पर चलते हुए उसकी सहायता से विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। परमात्मा निराकार है, उसे ऋषियों मुनियों और संतों ने अगम अलख अगोचर इंद्रियातीत आदि नामों से पुकारा है, क्योंकि वह जीव की इंद्रियों मन और बुद्धि की पहुंच से परे है। इसलिए वह निराकार परमात्मा साधक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता और परमात्मा को मनुष्य का रूप धारण कर इस धरा पर अवतार लेना ही पड़ता है। इसी पर आधारित एक कथा प्रसंग है। एक वजीर बहुत बुद्धिमान और परमार्थी विचारों वाला था। एक दिन बादशाह ने वजीर से पूछा कि परमात्मा के साथ मिलाप कैसे हो सकता है। वजीर ने कहा कि परमात्मा स्वयं कामिल मुर्शिद का रूप धारण करके जीव को अपने साथ मिलाने के लिए इस संसार में आते हैं। बादशाह वजीर के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और शंका प्रकट करके कहने लगा कि अल्लाह के पास फरिश्तों की फौज है और अन्य कई साधन हैं, फिर उसे स्वयं इंसान के रूप में यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। वजीर ने इस प्रश्न के उत्तर के लिए थोड़े समय की मांग की। बादशाह ने कहा ठीक है। वजीर ने बादशाह के छोटे बेटे की शक्ल का रबड़ का एक बच्चा बनवाया और बच्चे की आया को समझा कर बाहर भेज दिया। जब आया बादशाह के पास से गुजरी तो बादशाह तालाब के किनारे सैर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद बादशाह को एक बच्चे के तालाब में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। बादशाह को लगा कि मेरा बेटा तालाब में गिर गया है। उसने एकदम तालाब में छलांग लगा दी और बच्चे को बाहर निकाल लाया। वजीर ने मुस्कुराते हुए बादशाह से सवाल किया, जहां पना आपके पास इतने अहलकार और नौकर मौजूद थे, फिर आपने खुद तालाब में छलांग लगाने की तकलीफ क्यों की। बादशाह कहने लगा, मैं अपने बेटे को डूबता देखकर अपने आप को कैसे रोक सकता था। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जैसे आपको बच्चे की जुदाई सहन नहीं थी, ठीक उसी प्रकार जब परमात्मा अपनी रूहों को खुद से जुदाई में तड़पते हुए देखता है तो उससे भी रूहों का दर्द सहन नहीं होता और वह स्वयं इंसानी चोला धारण करके उन्हें निज घर वापस ले जाने के लिए मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो हमारे सद्गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन कराते हैं, सद्गुरु परब्रह्म का अवतार हैं, इसलिए सदा उन्हें प्रणाम करो। संसार में कोई भ्रम और भूल में ना रहे,
क्योंकि सदगुरु की कृपा के बिना कोई भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। मार्ग भूले हुए जीव को सदगुरु ही सही मार्ग पर चलाते हैं और माया की तरफ से उसका चित्त हटाकर उसे प्रभु भक्ति की ओर प्रवृत्त करते हैं। सदगुरु ही जीव का जन्म मरण का त्रास मिटाते हैं। पूर्ण सदगुरु की महिमा बेअंत है। सदगुरु की कृपा से ही हृदय रूपी कमल जो पहले उल्टा होता है सीधा होकर खिल उठता है, जिससे अज्ञान का अंधकार नष्ट होकर घट में प्रकाश हो जाता है। जिस परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई है उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ सदगुरु से ही मिल सकती है, और यदि सदगुरु की कृपा हो जाए तो अज्ञानी के मन में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। सदगुरु स्वयं करता है, करने में समर्थ हैं। सदगुरु स्वयं परमेश्वर हैं। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि प्रभु की कृपा से हमने तो यही जाना है कि सदगुरु के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती। सत